4000 साल गुजरने के बाद भी अहराम मिस्र और इसकी तामीर करने वालों के बारे में माहिरीन आसार कदीमा बहुत कुछ नहीं जानते और आज भी इन बड़े मकबरों के बारे में बहस कर रहे हैं कि आखिर वो किस तरह तामीर किए गए थे। मिस्र में पहले अहराम की तामीर को 4500 से ज़ायद साल गुजर चुके हैं और मिस्र में 100 से ज़ायद अहराम आज भी मौजूद हैं। हर अहराम एक तामीराती उजूबा है जिसमें सबसे बड़ा अहराम जीज़ा का है जो फिरौन खोफू या खोपस के लिए बनाया गया। यह अहराम 139 मीटर ऊंचा है और इसकी तामीर में पत्थर के 20,300,000 से ज़ायद टुकड़े इस्तेमाल किए गए हैं जिनमें से हर एक का वजन कई टन है। ये शानदार इमारतें देखने के बाद ये यकीन करना आसान नहीं कि तब तकनीकी आलात के बगैर ऐसी देवकामत और पायदार इमारतें कैसे बना ली गई। बरतानवी मौरख ग्रेग जेनर के ख्याल में अहराम की तामीर सिर्फ भारी पत्थरों का बोझ नहीं थी। कदीम मिस्र में मार्कर हुआ करते थे, यानी वो लोग जो कट के मकाम का तायुन करने के लिए लकड़ी या पत्थरों पर निशान लगाते थे, जिन्होंने पत्थरों के टुकड़ों की तादाद का हिसाब लगाया ताकि अहराम की जगह पर ले जाया जा सके और ये भी तायुन किया गया कि ज़मीन में कोई ढाल तो नहीं। मिसाल के तौर पर अजीम खोफ अहराम के हर तरफ 52 डिग्री एक मुकर्रा ढलान है। अहराम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हिसाब की दुरुस्तगी से पता चलता है कि ये लोग ज़हीन और हुनरमंद रियाजीदान थे। अगर किसी को अहराम बनाकर अबदी ज़िंदगी मिल गई है तो वह सकरा में पहले अहराम के डिज़ाइनर एम्योथिप हैं। एक हुनरमंद मैमार होने के अलावा वो फिरौन के दरबार में एक आला ओहदे पर फायज थे और एक पादरी और एक मुआलिज भी थे। कदीम मिस्रियों ने इन्हें इतनी इज्जत दी के बाद में उन्हें देवता का दर्जा दे दिया। सन 1960 के आसपास फिल्मबीनों ने इनके किरदार को अपने तरीके से दोबारा तख्लीक किया और इन्हें फिल्म दी मम्मी में विलन के तौर पर पेश किया जो जेम्स फ्रेजर और रेचल वेज को खौफजदा करता है। अहराम बनाने वालों ने तवाना और मजबूत जिस्म बनाने के लिए इन पत्थरों को उठाया, लेकिन ये मर्द मशरूबात और प्रोटीन शेक नहीं पीते थे। अहराम बनाने वाले मजदूरों के देहात में बतखों, भेड़ों, खंजीरों और गाय की वाकियात से पता चलता है कि अहराम बनाने वाले गोश्त, रोटी और बियर का भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करते थे। कदीम गांव में आसार कदीमा की खुदाई अहराम के हुनरमंद मजदूर करते थे। इससे पता चलता है कि गुलामों को मुबैना तौर पर अहराम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि ये कि वो हुनरमंद मजदूर थे जिन्होंने अपने काम से अच्छी कमाई भी की। जब अहराम के वर्करों के ग्रुप ने अपने आप को फ्रेंड्स ऑफ खोफू कहा तो ऐसा लगता है कि उन्हें अपने काम के माहौल से कोई मसला नहीं था और ना ही इस्तेहसाल की कोई खबर थी। इन ग्रोहों की जानिब से छोड़े गए पत्थरों पर बनी तस्वीर और लिथोग्राफ से पता चलता है कि इनमें अहराम बनाने वाले दूसरे ग्रुपों के साथ फख्र, यकजहती और सेहतमंद मुकाबले का एहसास था। आजीज़ा के अहराम रेत के टीलों के दरमियान वाक़े हैं, लेकिन जब वो बनाए गए थे तो इन्हें इस तरह रखा गया था कि इनकी तस्वीर का अक्स दरियाए नील के पानी पर पड़ा जो उस वक्त करीब ही बहता था। कदीम मिस्रियों ने दरियाए नील में नहरें बनाई थी जिसकी वजह से अहराम के मुकाम के करीब पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे। कदीम मिस्र के फिरौनों के लिए बाज़ुकात एक अहराम काफ़ी नहीं होता था। अहराम मुख्तलिफ अहरामों का एक मजमूआ था, बशमूल छोटे अहराम नीज़ फिरौन के पुजारियों की तरफ से पेश किए जाने वाले रास्ते और मंदिर हज़ारों लोगों को कई दिहाइयों से सिर्फ एक शख्स के लिए कब्रें बनाने पर मजबूर करना वक्त और तवानाई के ज़िया की तरह लगता है। लेकिन ये सिर्फ बादशाह और फिरौन ही नहीं थे जिन्होंने मौत के बाद भी अपनी ज़िंदगी गुजारी। जीज़ा के अहराम सैकड़ों दीगर अहरामों के मजमू में घिरा है जो कदीम मिस्र के अहम लोगों से ताल्लुक़ रखते थे। इसके साथ साथ मजदूरों को ऐसी शहाना और तकलीफ़दह तदफीन की तकरीब पसंद नहीं थी। वो सिर्फ ये उम्मीद करते थे कि वो फिरौन के लिए मुकद्दस कब्रिस्तान के अहराम की तामीर के फौरन बाद अपने दुनियावी इनामात वसूल करेंगे। कदीम मिस्र के फिरौन बाद की ज़िंदगी का सफ़र खाली हाथ नहीं करना चाहते थे, लेकिन अहराम में ख़जाने को दफन करने के लिए कोई महफूज जगह ना थी। जैसा कि बाद सूरतों में मकबरों को उस वक्त तक लूटा गया जब तक कि वह तकरीबन ख़त्म ना हो गए। जब जदीद दौर के आसार कदीमा के माहरीन अहराम तक पहुँचे तो अक्सर अहराम के पवेलियंस खाली थे। खुशकिस्मती से कदीम मिस्र के कुछ लूटमार करने वालों ने जायदाद और ख़जाने की एक फहरिस्त और तफसील लिखी जो उन्होंने चोरी की। माहरीन आसार कदीमा को मिस्र के अहरामों में कोई कुल्हाड़ी, सांप के गढ़े या यहाँ तक के आम जाल भी नहीं मिले। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।